दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ब्राइटकॉम ग्रुप्स लिमिटेड, लॉयड्स स्टील लिमिटेड, साथ ही साथ में TTML, JP पावर और विशेष इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड को भी इंक्लूड करने वाले हैं क्योंकि इन पांचों शेयर से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। तो यदि आपने इन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिना एक मिनट भी आपका वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले लॉयड्स स्टील के बारे में क्योंकि यहां पर इस शेयर के अंदर हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमें लॉयड्स स्टील के अंदर 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला। देखते ही देखते पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में शेयर्स लगभग 20% तक यहां पर क्रैश हो चुका है, लेकिन इसी बीच लॉयड्स स्टील की तरफ से एक बहुत ही शानदार खुशखबरी निकल कर आई है इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो पिछले एक साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट 2500% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स बना कर दिए थे, लेकिन लास्ट 1 मंथ में हमें शेयर्स के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है जिस कारण से यहाँ पर शेयर्स 19 रुपीस पर आ गया है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ऑफिशियल अपडेट्स यहां पर कंपनी की तरफ से निकल कर आई है। जैसा कि आपको पता है कि 25 दिसंबर के दिन हमें बोर्ड की मीटिंग यहां पर लॉयड्स स्टील की देखने को मिलने वाली थी जिसमें फंड रेजिंग और साथ ही साथ कुछ और बिजनेस मैटर्स यहां पर डिस्कस होने वाले थे जिसके आउटकम्स यहां पर निकल कर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैंने आपके सामने ओपन कर ली है जिसमें लॉयड्स स्टील की तरफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सबसे पहले इंक्रीज इन ऑथोराइज शेयर कैपिटल्स को लेकर जो अप्रूवल मांगा गया था शेयर होल्डर्स की तरफ से वहां पर मेजोरिटी स्टेक फेवर में निकल कर आया है। साथ ही साथ प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ ऑर्डिनरी एंड कन्वर्टिबल डिबेंचर शेयर्स के थ्रू जो फंड रेजिंग करने की बात करी गई है उसमें भी जो शेयर होल्डर्स की तरफ से अप्रूवल निकल कर आया है वो मेजोरिटी निकल कर आया है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑप्शन प्लान जो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के सामने रखा है उसको भी यहाँ पर इन्वेस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एलिजिबल एम्प्लॉयज हैं जिनको यहाँ पर कंपनी की तरफ से ईसोप 2020 के अंदर सिलेक्ट किया गया है तो उसको लेकर भी यहाँ पर शेयर होल्डर्स की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। लास्ट पॉइंट जो स्टील एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट को लेकर यहां पर अपडेट डिक्लेयर करी है उसमें भी कंपनी के शेयर होल्डर्स की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। तो यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी की हर एक पॉजिटिव एक्शन से फेवर में हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि मेजोरिटी जो वोटिंग यहां पर हुई है उसमें यहां पर सारी वोटिंग हमें फेवर में ही देखने को मिल रही है। साथ ही साथ लॉयड्स स्टील ने अभी तक अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट की डेट अनाउंस नहीं करी है, लेकिन अगर आप सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट को यहां पर देखेंगे तो कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो परफॉर्मेंस है वो हमें सितंबर क्वार्टर में काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी जहां कंपनी ने अपना लॉस तो रिकवर किया ही था, साथ ही साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। लॉयड्स स्टील की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलती है जहां प्रमोटर्स का स्टेक 53% का एंड पब्लिक इन्वेस्टर्स का स्टेक लगभग 46% का हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो यदि आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको यहां पर मौका मिलता है आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को यहां पर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसका नाम है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड यानी कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। मात्र 9 रुपये का पैनी शेयर्स काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को कंटिन्यूसली बनाकर दे रहा है। देख सकते हैं पिछले एक साल के अंदर ही हमें इस शेयर के अंदर लगभग 200% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं और साथ ही साथ कंपनी के अंदर जो वॉल्यूम बेस्ड काम है वो भी हमें बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यदि आपने जेपी पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो लॉन्ग टर्म पर्पज से इस शेयर के अंदर भी अपनी पोजीशंस को हेल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात करें जेपी पावर को लेकर क्या बड़ी अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है तो कल ही के दिन मैंने आपके साथ जो अपडेट शेयर करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो थर्मल पावर प्लांट्स इंडिया के अंदर 20 साल से ज़्यादा के यहाँ पर रन हो रहे हैं उसे शटडाउन करने का प्लान कर रही है और उस प्रोसेस में सबसे पहले उन पावर प्लांट्स को बंद किया जाएगा जो कि 20 साल से भी जिनको ज़्यादा का समय हो चुका है। लेकिन इसी बीच यूनियन बजट 2022 यहां पर 1 फरवरी के दिन लॉन्च होने वाला है उसमें इस न्यूज़ को लेकर भी कोई बड़ी एक्शंस यहां पर निकल कर आ सकती है, यानी कि जो
रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर यहाँ पर बड़ी अपडेट्स डिक्लेयर होने वाली है, उसमें थर्मल पावर प्लांट को लेकर भी पॉजिटिव स्टेप्स देखने को मिल सकती है। लाइक थर्मल पावर प्लांट को यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करी जा सकती है हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स इंडिया के अंदर रन हो रहे हैं उनको एक टाइम पीरियड अलॉट कर दिया जाएगा, जिस टाइम पीरियड में वो यहाँ पर अपने बिजनेस को रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। यदि इस न्यूज़ को लेकर यहाँ पर अप्रूवल आ जाती है तो जेपी पावर को भी उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो जेपी पावर ने भी अभी तक अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की डेट अनाउंस नहीं करी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि कल से जो हमें ट्रेडिंग देखने को मिलने वाली है, यहाँ पर आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको जेपी पावर के भी फाइनेंशियल रिजल्ट की डेट अनाउंस होते हुए देखने को मिल सकती है। बात कर लें दोस्तों TTML के बारे में, यानी कि टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में। कंटिन्यूसली हमें शेयर के अंदर लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं और शेयर्स ने अपने 190 रुपीस के स्ट्रांग सपोर्ट को भी यहां पर ब्रेक कर दिया है। बात करें कि TTML के अंदर आपको क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, मार्केट को लेकर यहां पर 4 पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, यानी कि FOMC मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को हाइक नहीं किया गया है। साथ ही साथ जो वॉर की सिचुएशंस हमें देखने को मिल रही है उसमें भी अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी राहत देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उस वो भी यहाँ पर हमें स्टेबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि कल के दिन हमें मार्केट पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल सकता है, यानी कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है मार्केट में, जिसके बीच TTML में भी चांसेस है कि यहाँ पर भी आपको लोअर सर्किट खुलते हुए देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो कल आपको मौका मिल सकता है इस शेयर के अंदर अपने प्रिंसिपल अमाउंट को प्रॉफिट बुक करके बाहर निकालने का। जी हाँ दोस्तों, बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट को, जितना भी आपका प्रॉफिट है, आप उसे अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग कैरी करते हुए चल सकते हैं, और अगर आपका लॉन्ग टर्म का भी व्यू है तब भी आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं। TTML के भी क्वार्टरली रिजल्ट की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि यहाँ पर भी आपको आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही इसके भी क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की डेट अनाउंस होते हुए देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लें अनदर शेयर की, जिसका नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप्स लिमिटेड, यानी कि BCG। कल ही के दिन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट निकल कर आए हैं, रिजल्ट बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं, जहां कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी शानदार तरीके से हमें ग्रो होते हुए देखने को मिल चुका है, जिस कारण से कल के दिन आपको ब्राइटकॉम ग्रुप्स लिमिटेड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि यहां पर आपको कल के दिन अपर सर्किट तक लगते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि कल जैसे ही मार्केट ओपन होता है, रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, तो आप अपने 100% अमाउंट, यानी कि लाइक आप मार्केट में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पूरे के पूरे 10,000 रुपये आप ब्राइटकॉम में इन्वेस्ट कर दें, या फिर 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पूरे के पूरे 50,000 रुपये आप ब्राइटकॉम में इन्वेस्ट कर दें। लाइक अगर आप 5,000 रुपये का भी ब्राइटकॉम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वन साइड इन्वेस्टमेंट नहीं करते हुए इसे पार्टली इन्वेस्टमेंट करिए। लाइक 167 पर आपको शेयर प्राइस देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप मिनिमम 1,000 या फिर 2,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देन शेयर्स अगर ये 150 पर आता है तब आप यहाँ पर अगेन 2,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका जो एवरेज है वो काफ़ी बेटर होगा और साथ ही साथ आप हमेशा से प्रॉफिट में रहेंगे। बात करें ब्राइटकॉम ग्रुप्स लिमिटेड ने जो यहां पर अपने इन्वेस्टर्स के लिए 2:3 के रेशो का बोनस अलॉट किया है, तो बोनस की रिकॉर्ड डेट अभी तक अनाउंस नहीं करी गई है। जैसे ही बोनस की रिकॉर्ड डेट आ जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से अपडेट कर दी जाएगी। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन हाँ, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रही है। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो लॉन्ग टर्म पर्पज से आप अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर के क्वेश्चंस निकल कर आ रहे थे विशेष इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड को लेकर, या फिर यूं कहूं कि MPS इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड को लेकर। इस पेनी शेयर्स के अंदर हमें काफ़ी शानदार मूवमेंट तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस पेनी शेयर्स के भी जो फाइनेंशियल नंबर्स हमें रिसेंटली देखने को मिले हैं, नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का लॉस रिकवर तो हुआ है, लेकिन कंपनी की जो इनकम है, कंपनी का जो रेवेन्यू है, वो इनके प्राइमरी बिजनेस से नहीं बल्कि इनके अदर सोर्सेस से जनरेट हो रहा है, जिस कारण से यहाँ पर आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो इनके अदर इनकम सोर्स से जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी
जब तक अपने प्राइमरी बिजनेस से इनकम जनरेट नहीं कर पाती है, आपको बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतने ही अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करिए जितना कि आप रिस्क यहाँ पर बियर कर सकते हैं। प्रमोटर्स ने भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स डिक्रीज करी है, जिस कारण से यहाँ पर बल्क इन्वेस्टमेंट को आपको अवॉइड करके चलना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।